प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन नए संसद भवन का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति से न कराए जाने को लेकर कई राजनीतिक दलों ने इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। थर्ड फ्रंट के कई दलों ने उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न बुलाए जाने की खबरों पर विरोध जताया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने समारोह से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को संसद की नई बिल्डिंग पर लिखे एक श्लोक को ट्वीट करते हुए लिखा है, भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं बल्कि वहां पर लिखे श्लोकों की मूल भावनाओं को समझकर सभी को सुनने व समझने का बराबर अवसर देना ही सच्ची संसदीय परंपरा है, जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं। वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती, उसको उद्घाटन में क्या जाना। फिर राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए, ये बिना राष्ट्र की राष्ट्र निर्माता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संविधान सभा ने एक राय से माना है कि संविधान लिखने में सर्वाधिक भूमिका बाबा साहब की थी। संसद का स्रोत संविधान ही है। सावरकर आज़ादी की लड़ाई में थे पर उनका लोकतंत्र और संविधान के निर्माण में कोई रोल नहीं था। वे कभी संसद में भी नहीं रहे, उनका संसद और संविधान पर भरोसा ही नहीं था। जब संविधान बन रहा था तब उन पर गांधी हत्या के षड्यंत्र का केस चल रहा था, वे अलग ही लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब तो सरकार तारीख की घोषणा कर चुकी है तो पलटना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन भवन का नाम तो सही से रख ही सकते थे। अब तक 19 दलों ने 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। विपक्ष के राजनीतिक दलों का कहना है कि उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। वहीं कुछ लोग महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आखिर फिलहाल नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी, मौजूदा संसद भवन कई सालों तक चल सकता था, उसकी बिल्डिंग अभी काफी सही है, ऐसे में जनता का इतना पैसा इस तरह खर्च करने की क्या जरूरत थी, वो भी उस टाइम में जब सरकार के नेता मंत्री खुद कहते हैं कि सरकार घाटे में है, देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार। गुरु फतेह, आदाब, नमो बुद्धा।